हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। और आज वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं वाइट टू वर्जन। और इस गेम की लास्ट वीडियो हमने बैटल किया था विरमैन सिटी की जिमेटर रॉक्सी से, और साथ ही हमने जीता था हमारे इस गेम का सेकंड बैच जो कि था टॉक्सिक बैच। और उसके बाद हम गए थे पोकिस्टा स्टूडियोज़ में, जहाँ पर हमें मिले थे रॉक्सी के डैड, जो कि अब पोकिस्टा स्टूडियो चले गए थे अपने शिप कैप्टन के काम को छोड़कर। सो अब वापस आ चुके हैं अपने काम पर, और अब हम जा सकते हैं मतलब अगली सिटी में। और जब हम वापस आए पोकिस्टा स्टूडियोज़ से, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ रॉक्सी और ट्रिप जो है वो टीम प्लाज्मा से कुछ बात कर रहे थे या फिर लड़ रहे थे ऐसा कुछ। सो हमने उनकी मदद की बैटल में, और टीम प्लाज्मा से बैटल भी किया। और बैटल के बाद टीम प्लाज्मा जा चुकी थी रूट 20 पर, और आज हमें वहीं पर जाना है वैसे। बट उससे पहले मुझे जाना है एक जगह पर। वैसे गाइस, आप सभी को याद होगा मुझे लास्ट एपिसोड में एक नया मूवी मिला जो कि है कट, और वो मैंने अपने एक नए पकड़ में सिखा दिया है जो कि है पैट्रेट। इसे जरा मैं आगे कर लेता हूँ, वैसे मैं जरूरत है नहीं आगे करने की। और मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो हम रियोलू को भी इवॉल्व कर दें, बिकॉज रूट लेवल 20 के बाद तो वो इवॉल्व हो ही जाता है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके, इस तरफ से जाते हैं, याद है वो जगह, यहाँ पर हमें कट का यूज़ करना था। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, यहाँ पर पोकीबॉल है जो कि सुपर पोशन, काफ़ी बढ़िया मुझे सुपर पोशन मिल गया। बट मुझे लगा यहाँ कुछ और एक्साइटेड सा होगा, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं रूट 20 की तरफ, यहाँ से हमें जाना है। ओके, यहाँ से हम वैसे पहले भी आए थे एक बार, और यहाँ पर हमने सभी ट्रेन को हरा दिया था। और रास्ता काफ़ी सिंपल है वैसे। वो कहाँ पर होंगे ट्विन प्लाज्मा, और वो इतने पीछे वापस आए क्यों? लगता है उनका कुछ और प्लान होगा उनका कोई। ओके, यहाँ पर ट्रिप तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। हेल्प मी चेक रूट 20। ओके, देखते हैं वैसे यहाँ पर क्या है, एक सेकंड में इधर देखता हूँ पहले। वैसे इस तरफ तो फ्लो से रेंच है, और मुझे लगता है वो अब की बार वहाँ पर गए होंगे, बिकॉज अब वहाँ पर जाने कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर ओके, यहाँ पर तो नहीं है वो। ओके, मिल गया मुझे, यहाँ पर नीचे की साइड खड़ा हुआ है एक मेंबर, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। यस, आई रियली हेट इट व्हेन पीपल वोंट लेट थिंग्स गो। ओके, सो बैटल करना है हमें इससे। शायद मैंने इससे पहले बैटल किया था, नहीं पिछली बार मैंने इससे बैटल नहीं किया, दूसरा कोई वो था वो ट्रेनर। ओके, पोलो है इसके पास पहला पोकेमोन, मतलब एक ही पोकेमोन इसके पास। सो यहाँ पर मैं आराम से हरा दूंगा इसे, तो फोर्स पाल्म करने की यूज़ करके। ओके, काफ़ी बढ़िया। ओके, ये लोग का लेवल अप भी हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है रूट लेवल 20 के बाद ही बोल रहा था इसे। ओके, फाइनली ये बोल हो रहा है, मुझे लगी था वैसे ये लेवल 20 के बाद ही बोल होगा। ओके, अभी लुकारियो बन जाए, काफ़ी पावरफुल है वैसे लुकारियो भी। और कहीं जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि अभी जो मेरे पास टीम है वो परमानेंट टीम नहीं है मेरी, मैं टेम्प्रेरी रखा हुआ अभी सभी पोकेमोन्स को। आगे मैं और अच्छी टीम बनाने वाला हूँ जब मुझे अच्छे पोकेमोन्स मिलेंगे। हो सकता है मेरी टीम में सर्वाइन एक पोकेमोन बचे जो कि अभी है, आगे पूरी टीम चेंज भी कर सकता हूँ। नाउ डैट आई थिंक अबाउट इट, इफ आई रन दिस वे नो वन कैन हेल्प मी, आई हैव टू हेड टूवर्ड द ओशन। सो विद डैट इन माइंड आई एम गोइंग टू फ्लू अगेन, गुड बाय विरमैन सिटी। ओके, तो यहाँ से जा रही है विरमैन सिटी से। ओके, यहाँ पर ट्रिप भी आ चुका है, लगता है इसने मेरा बैटल देखा होगा। वेल, दे आर रियली गुड एट रनिंग एनी वे, स्टिल सी जस्ट सेड समथिंग यूजफुल, दे मस्ट बी मूविंग अराउंड बाई बोट, कैशेल सिटी हैज़ अ बिग पोर्ट, आई वंडर इफ दे हैड इट देयर। ओके, लेट्स गो बैक टू विरमैन एंड लुक फॉर समवन हु लुक्स लाइक दे नो अ लॉट अबाउट शिप्स। वैसे जो रॉक्सी के डैड है वो एक शिप कैप्टन है, तो हो सकता है हमें उनकी मदद लेनी पड़े यहाँ पर। इफ़ आई रिमेंबर राइट, देर वॉज अ प्लेस टू बोट बोट्स ऑन द डक। ओके, हमें डक पर जाना है वापस। सो मैं जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ, और वहीं पर मिलता हूँ सभी को। वेल गाइस, एक बार हम इन अंकल से बात कर लेते हैं, हो सकता है मुझे कुछ नए मेडल्स दे दें। ओके, नए मेडल है इनके पास एक। ओके, ये कौन सा मेडल है? न्यू फेस हीरो। ओके, नेट आई'd लाइक यू टू कलेक्ट मोर मेडल्स। ओके, देखते हैं, यहाँ पर हिंट मेडल्स मिले हैं हमें तीन, काफ़ी बढ़िया। वैसे मेरे पास और भी हिंट मेडल्स पड़े हुए हैं, सो देखते हैं उनका क्या यूज़ होगा। वैसे उनमें कुछ हिंट्स रहती हैं हमें, मतलब क्या टास्क पूरा करना पड़ेगा जब जिससे कि हमें मेडल्स मिल सकें। मैं बाद में एक बार ज़रूर पूरा करूँगा उन टास्क को, बट अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ओके, ये रही रॉक्सी और उसके डैड। आई थॉट योर मूवी वॉज प्रिटी गुड। वैसे मुझे लगा वो मूवी इतनी कुछ खास नहीं थी, मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी मूवी वो। वैसे भी सभी लोग सो गए थे उस मूवी को देखते देखते। ओके, लगता है ने मुझे देख लिया। सो यू सो इट, दैट मूवी वॉज नो इट वॉज नॉट द मूवी, इट वॉज मी, आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई डिड नॉट रियली बिकम रियलू मैन, एक्टिंग लाइक दैट वॉन्ट थ्रिल और एक्साइट एनी वन, कम ऑन डोंट गेट डाउन, यू कैन कीप ट्राइंग वाइल यू कंटिन्यू ऑन एज कैप्टन, एज लॉन्ग एज यू डोंट कॉज एनी वन ट्रबल आई वॉन्ट गेट मैड, आई डोंट नो हाउ द पोकेशा स्टूडियो फील पीपल फील अबाउट डैट थ्रू,
ओके ओ डिड यू हेयर अस वेल इट लुक्स लाइक एवरीवन फ्रॉम टीम प्लाज्मा गोट अवे आई डोंट फील रियली गुड अबाउट इट बट एट लीस्ट दे आर गोन ओके ओ देर वॉज अ लॉट ऑफ रकस बट यू कैन सेल टू कैस्टेलिया सिटी नाउ ओके अब हम जा सकते हैं कैस्टेलिया सिटी में और ये अंकल भी यहीं पर है अभी ओके आई गेस आई डू माई बेस्ट एज अ कैप्टन आई एक्साइट एंड थ्रिल एनीवन बाय बेल्डिंग थ्रू रफ वेव्स ओके वैसे जो मुझे लगता है ये बोट साइड में खड़ी हुई है अंकल जी की है सो अब ये चलते हैं हम जरा टिकट विकेट लेते हैं देखते हैं हम कैसे जाने वाले हैं वहाँ पर ओके ट्रिप भी अंदर ही है यू आर गोइंग टू कैस्टेलिया सिटी राइट आई एम गोइंग टू लुक फॉर टीम प्लाज्मा आई कैंट फॉर गिव दोज गाइज हे कैप्टन सो इज दैट शिप यू आर सो प्राउड ऑफ ऑफकोर्स प्लीज स्टेप दिस वे ओके चलते अब हम ये रेन की बहुत ही कमाल की शिप लग रही है देखने में तो अभी बड़ी भी है वैसे कैस्टेलिया सिटी हम लास्ट गेम में भी गए थे मतलब पोकेमॉन ब्लैक में और आप सभी को याद होगा कैस्टेलिया सिटी जो है वो पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ पर एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है सो मैंने इसे पहले से ही थोड़ा एक्सप्लोरेशन करके रखा है यहाँ पर सो मैं उन्हीं जगहों पर जाने वाला हूँ जहाँ पर हमें कुछ अच्छे आइटम्स मिल सकते हैं बाकी एक्सप्लोरेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज से टाइम वेस्ट ही होने वाला है एवरीवन वी अराइव एट कैस्टेलिया सिटी सो दिस इज़ अ कैस्टेलिया सिटी इट्स मच बिगर दैन आई हियर बट इट डज नॉट मैटर आई एम गोइंग टू फाइंड टीम प्लाज्मा नो मैटर वेयर दे रन ओ ये नेट हियर लेट्स रजिस्टर ईच अदर्स ट्रांसवर नंबर ओके अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया अपने नंबर्स वी डिड नॉट इवन नीड टू इन एस्पेरिया वी कुड सी ईच अदर एनी टाइम ओके सो यहाँ पर ये दैट्स अ स्ट्रेंज शिप अ सेलिंग शिप इन दिस डे एंड एज ओके हाँ वैसे काफ़ी बड़ी शिप लग रही है वो देखने में तो ओके तो यहाँ से हमें एक्सप्रेस स्टार्ट करना है अपना और ये रही भाई काफ़ी कमाल की शिप लग रही है वैसे तो और ये इतनी बड़ी सिप है मुझे थोड़ा सा जा रहा है इस पर बिकॉज ये हो सकता है यहाँ पर टीम प्लाज्मा आई हो इस सिप में बैठ के हार्ड स्केल ओके सो अब हम चलने वाले हैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने के लिए और मैं मतलब मैंने आपसे पहले बता दिया है कि मैं उन जगहों पर जाने वाला हूँ जहाँ पर हमें कुछ अच्छे आइटम्स मिल सकते हैं ओके यहाँ पर एक क्लोन है वेलकम टू कैस्टेलिया सिटी इट्स द कैस्टेलिया हर्लेक्विन हंट ओके आई बेट दिस इज़ योर फर्स्ट विजिट टू कैस्टेलिया सिटी हाँ वैसे इस गेम में तो फर्स्ट विजिट ही है दैट्स ग्रेट हियर हैव दिस बाईसाइकिल ओके बाईसाइकिल मिल गई हमें यहाँ पर वाओ काफ़ी बढ़िया बात है वैसे स्टार्टिंग में ही बाईसाइकिल मिल गई द कैस्टेलिया हार्लेक्विन हंट्स रूल्स आर सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज विजिट स्पेसिफिक प्लेसेस एंड टॉक टू द हार्लेक्विन देयर वेदर यू पार्टिसिपेट इज अप टू यू द प्लेसेस टू लुक आर ओके द मेटल ऑफिस पासर बी एनालिटिक एच क्यू ओके एंड द बैटल कंपनी राइड द बाईसाइकिल आई गिव यू एंड गो 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 ओके सो चलते हैं हम भी जरा इसके बाईसाइकिल यूज़ करते हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है हमें अच्छा हुआ इतनी बड़ी सिटी में घूमने के लिए बाईसाइकिल मिल गई वरना पैदल चलते चलते तो हम थक जाते हैं ओके तो सबसे पहले हम जाने वाले इस तरफ और शायद से फोर्थ वाला यही होना चाहिए ओके सो यहाँ पर हमें मिल चुका है डेस्टिनी नोट ओके यहाँ पर हम चलते हैं वापस अपनी एक्सप्लोरेशन पर और अब हम जाने वाले हैं इस तरफ एक सेकंड इस तरफ चलना है हमें बिल्कुल एंड में सो यहाँ पर हम अब एक हर एक स्ट्रीट घूमने वाले हैं और एक सेकंड में यहाँ पर नहीं जाना था ये पहले वाली स्ट्रीट है और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ पोकेमॉन सेंटर में बिकॉज जाना वहाँ पर ज़रूरी है मुझे अपने पोकेमॉन हिल भी कराने हैं ओके अब ये कौन है वैसे पोकेमॉन हिल कराया लगता है आपने वो ना रिकवर पोकेमॉन ओह सॉरी ओके डू यू नो जियो नॉट यस मुझे पता है पिछले गेम में मैंने देखा था वो जो ऊपर की साइड रखा हुआ है ओके तो यहाँ पर पोकेमॉन हिल कराऊंगा और यहाँ पर एक और वो अंकल खड़े हुए हैं मेडल वाले तो हो सकता है मुझे एक और मेडल दे दें यहाँ पर आने का वैसे मुझे मेडल्स मिल ही जाते हैं ओके अंकल जी क्या कर रहे हैं आप ओके यहाँ पर मुझे मेडल मिल गया फाइनली मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ मेडल देंगे ये स्टार्टर साइकिलिंग ओके सो यहाँ पर हिंड मेडल मिले हैं मुझे एक सो अब निकलते हैं यहाँ से एक सेकंड में यार यहाँ पर थोड़े शॉपिंग भी कर लेता हूँ अगर आया हूँ तो वैसे मैंने नया बैच जीता है तो यहाँ पर कुछ नए आइटम्स आ गए होंगे ओके कुछ भी नहीं आया यहाँ पर तो पहले जैसे ये सब कुछ एक सेकंड में यहाँ पर रिपेल लूँगा काफ़ी सारे ओके इतने काफ़ी हैं अब निकलते हैं यहाँ से सो अब हम जाएंगे यहाँ पर पहले वाली स्ट्रीट में देखते हैं वहाँ पर एक सेकंड में रजिस्टर नहीं किया यहाँ पर बाईसाइकिल को एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ मैं ओके रजिस्टर हो चुकी है यहाँ पर हमारी बाईसाइकिल और अब हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसका
सो यहाँ पर चलते हैं अब हम। ओके सबसे पहले हम जाएंगे ये, एक सेकंड, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? ओके बाइसाइकिल से यहाँ पे ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है वैसे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागती है बाइसाइकिल। ओके गेम फ्री की एक बिल्डिंग है ये, चलते हैं यहाँ से अंदर। पहले हमें जाना है यहाँ से ऊपर। ओके 22nd फ्लोर। ओके यहाँ पर वैसे गेम डेवलपर्स हैं, इन्होंने अपने यहाँ पर कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, सो हम इनसे बातें कर सकते हैं, बट मैं भी नहीं करूँगा इनसे बातें। ओके यहाँ पर मुझे मिला है रिवाइव, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पर जो आप सभी को तीन लड़के दिख रहे हैं बैठे हुए, ये बैटल करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं, बट मैं अभी इनसे बैटल नहीं करूँगा, बाद में बैटल कर लूँगा मैं इनसे आगे, बिकॉज अभी मुझे जाना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है और देखते हैं फिर। वैसे इसी सिटी में एक जिम भी था जहाँ तक मुझे याद है, थर्ड हमारा थर्ड जिम यहीं पर होने वाला है, सो उससे बैटल करेंगे हम जाकर। और अभी चलते हैं यहाँ से बाहर। ओके अब दोबारा से मैं बाइक साइकिल का यूज़ कर लेता हूँ। और वैसे ये बिल्डिंग भी शायद से यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके यहाँ से अब ऑपोजिट वाली बिल्डिंग है ये गेम फ्रीक की, 11th फ्लोर। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट 11th फ्लोर क्यों है, 2nd फ्लोर होना चाहिए वैसे तो। ओके एक सेकंड, ये आप सभी देख यहाँ पर एक आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम बिल्डिंग है, अगर आप सभी आपसे कोई याद होगा गेम फ्रीक वाली बिल्डिंग भी ऐसी थी, बस वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर लोग नहीं है। ओके शायद ये अंकल हमें कुछ दे सकें, और एक सेकंड यहाँ पर मिलेगा शायद कुछ। ओके मिल गया मुझे TM44 रेस्ट, वैसे ये भी काफ़ी अच्छा मूव है, बट अगर हम इसको सही से यूज़ कर सकें तो। और मैं रेस्ट वैसे हो सकता है सिखा दूँ बाद में किसी पोकेमोन को, देखते हैं बाद में देखूंगा मैं। ओके अब वापस चलते हैं यहाँ से नीचे, और तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला था, सो यहाँ से निकलते हैं आप, रहो यहाँ चलते हैं आगे बाईसाइकिल निकाल कर। ओके यहाँ से वैसे आगे जाने का रास्ता है, मतलब ये एंड है सिटी का, यहाँ से हम आगे जा सकते हैं, बट अभी मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, अभी हम चलेंगे सेकेंड वाली स्ट्रीट में और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। ओके लोग कैसे जा रहे हैं यहाँ पर? ओके एक सेकंड, मैं यहाँ पर पिछली बार नहीं जो आइसक्रीम मिलती है यहाँ पर मैं ले नहीं पाया था। अरे यार इस बाइक से हटाओ पहले। ओके अब मैं यहाँ पर लूँगा, शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ा, एक आइसक्रीम चाहिए मुझे, जैसे गर्मी काफ़ी हो रही है, बट मैं इस आइसक्रीम को मैं तो नहीं खा सकता, मेरे पोकेमोन ही खा सकते हैं इसे। ओके अंकल यू क्या हुआ? डेट सेल्स आइसक्रीम हेयर, इट्स इज इट गुड? हाँ काफ़ी बढ़िया आइसक्रीम है वैसे, बट मैंने नहीं खाई, मेरे पोकेमोन को पता होगा। ओके अब निकलते हैं यहाँ से, और एक सेकंड यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है, स्टूडियो कैस्टेलिया। ओके स्टूडियो भी है यहाँ पर। ओके यहाँ पर इन अंकल जी से बात करते हैं पहले। आई एम नॉट एज गुड एज गुड एन आर्टिस्ट एज बर्ग। ओके बर्ग यहाँ का जिम लेटर में याद आ गया, बट आई हैव लाइकिंग फॉर पेंटिंग्स, लेट मी सी, टुडे आईड लाइक टू पेंट नॉर्मल टाइप पोकेमोन। ओके नॉर्मल टाइप पोकेमोन मेरे पास है शायद से, हाँ मुझे पता है मेरा नॉर्मल टाइप पोकेमोन ये रहा पैट्रेट। ओह यू हैव दैट टाइप, आई एम इंस्पायर्ड, थैंक यू एज अ टोकन। ओके यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा है वैसे, मैं यहाँ पर बेरी ले लेता हूँ, एक कैस्ट्रो बेरी ले लेते हैं। ओके काफ़ी बढ़िया, कैस्ट्रो बेरी मिल चुकी है हमें, अब निकलते हैं यहाँ से। ओके अब चलते हैं वापस यहाँ से बाइक अपनी बाइक के साथ। ओके तो हम सेकंड वाली स्ट्रीट से बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड वाली स्ट्रीट में, यहाँ पर भी हमें कुछ मिलने वाला है वैसे तो। ओके ये रहे अंकल जी, वेयर डिड आई पुट दोज सनग्लासेस? ओके सनग्लासेस एक सेकंड, जो पहने हुए तो हैं, आई फाउंड देम एंड यू रियली गो टू हैव मोर लाइट टू सी योर वे बाय, टेक दिस इट विल हेल्प यू सी इन डार्क प्लेसेस। ओके यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा है, TM70 फ्लैश। ओके काफ़ी बढ़िया, अब फ्लैश से यहाँ पर अंधेरी जगहों पर भी जा सकते हैं। ओके यहाँ पर देखते हैं कैफे सोटेनो। ओके सोनाटा। ओके वेल यहाँ पर मुझे लगता कुछ मिलने वाला है, तो यहाँ से निकलते हैं अभी। मैं यहाँ पर चेक पहले से कर चुका हूँ, और यहाँ पर ये दो अंकल जी लड़ रहे हैं वैसे, ये भी कुछ नहीं देने वाले, सो इनसे फालतू में बात करने कोई फ़ायदा नहीं है। ओके अब लास्ट वाली स्ट्रीट बचती है बस, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे लास्ट वाली स्ट्रीट में मुझे याद है यहाँ पर जिम था। ओके ये क्या है वैसे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ अंदर जाकर। हेलो हेलो आई एम द नेम, ओके ऑफिशियल नेम रेटर है ये, नेम मुझे नहीं देना था। ओके अभी मुझे नेम नहीं देना किसी पोकेमोन को, वैसे मुझे नेम देना इतना पसंद नहीं है पोकेमोन को, जो उनके नाम है वो सही है। हेलो इफ़ यूड लाइक आई विल मैसेज टू योर पोकेमोन। ओके मेरे पोकेमोन मैसेज देना है, सो यहाँ पर मैं मैग्नेमाइट को देता है मैसेज कोई। ऑलराइट लेट मी गेट स्टार्टेड। ओके क्या मैसेज दिया इसने वैसे? देयर ओल्डन
द मैसेज हैज़ मेड योर पोकेमोन लिटिल बिट मोर फ्रेंडली टू यू। ओके अब चलते हैं ऐसे हम सेकेंड फ्लोर पर इसके। ओके यहाँ पर सेकेंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर भी है, यहाँ पर डायरेक्ट 11th या फिर 22nd फ्लोर नहीं है। ओके यहाँ पर ये क्लोन खड़ा हुआ है। आई एम फ्रॉम द कैस्टेलिया हर्लिक्विन हंट, यू फाउंड द मेडल ऑफिस, ऑल राइट। ओके मेडल ऑफिस है ये। वेल मेडल ऑफिस में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सो यहाँ से निकलते हैं। वैसे मेडल्स तो मुझे मिलते रहते हैं बट अभी मैंने कोई टास्क पूरा नहीं किया, सो अभी तो मुझे मेडल नहीं मिलने वाला कोई भी। वैसे जिम लीडर अभी यहाँ पर होगा या नहीं मुझे नहीं पता अभी इस बारे में। ओके यहाँ पर ये है जिम। ओके अंकल जी बाहर खड़े हुए हैं शायद से। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जिम लीडर बर्ग, ही सेड देयर माइट बी ट्रबल एंड देन ही टुक ऑफ, यू कैन गो लुक फॉर हिम इफ यूड लाइक। बर्ग वैनिश्ड अगेन। ओके यहाँ पर कोई आया है। ओके यहाँ पर लगता है आयरिस है, मुझे याद है आयरिस है ये। ओह हेलो आयरिस, समथिंग केम अप एंड बर्ग इज़ नॉट हेयर राइट नाउ। इट्स नॉट बर्ग ऑलवेज वैनिशिंग थ्रू, ही ऑलवेज सेज ही इज गोट आर्टिस्ट ब्लॉक एंड जस्ट गोज वेंडरिंग आउट ऑफ द जिम। हाई देयर, हु आर यू? लुकिंग फॉर टीम प्लाज्मा, बट टीम प्लाज्मा डिसबैंडेड 2 years ago। लगता है ऐसे नहीं पता टीम प्लाज्मा वापस आ चुकी है। आई गेस दैट डज नॉट मैटर, यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स सो आई हेल्प यू आउट। नाउ वेयर वुड सस्पिशियस पीपल गो टू हाइड? ओके डैट्स इट, दैट माइट बी वेयर दे आर। ओके आयरिस जा चुकी है यहाँ से। गुड ग्रीफ, बर्क एंड आयरिस आर सो सिमिलर। इट लुक्स लाइक सी वेंट अराउंड द कॉर्नर टूवर्ड द पोकेमोन सेंटर। डू यू नो वेयर द पोकेमोन सेंटर इज इट? हाँ मुझे पता है यार, इतना तो मुझे पता ही है, मैंने सबसे पहले वहीं पर गया था पोकेमोन सेंटर में ही। सो अब यहाँ से निकलते हैं, मुझे ज़रा बाहर की बिल्डिंग से बातें करनी है, एक बार देख लेते हैं हम। ओके यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ओके अंकल जी साइड हट जाइए, और शायद हमें यहाँ पर जाना है बैटल कंपनी में। ओके ये बैटल कंपनी, बाईसाइकिल हटानी पड़ेगी मुझे, इस तरह से मैं बाईसाइकिल लेकर थोड़ी ना कूद जाऊँगा अंदर। ओके यहाँ पर ये अंकल जी हैं। पीपल हु वर्क इन दिस बिल्डिंग हैव पोकेमोन बैटल्स, नॉट ऑप्शन बैटल, ओपिनियन बैटल। ओके यू अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग बट इफ़ यू गो अपस्टेयर्स प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओ यस, इफ़ यू लाइक यू शुड हैव योर पोकेमोन टू होल्ड दिस। ओके सो यहाँ पर मिल चुका एक्सपीरियंस यार काफ़ी बढ़िया, जिसकी मुझे ज़रूरत थी काफ़ी। दैट्स द एक्सपीरियंस यार, अ पोकेमोन होल्डिंग एक्सपीरियंस, ये बात मुझे पता है यार। इट मे बी यूजफुल फॉर राइजिंग वीक पोकेमोन। वैसे मेरे पोकेमोन तो वीक नहीं है, वैसे सभी स्ट्रॉन्ग है, मैं सभी की ट्रेनिंग अच्छी कराई हुई है इस वक्त तो। और ऊपर की साइड अगर हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे बैटल्स करने पड़ेंगे। सो बैटल्स मैं अभी नहीं करने वाला, वो मैं बाद में कर लूँगा आकर, अगर मुझे ट्रेनिंग करानी होगी अपने पोकेमोन की। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आयरिस के पास, देखते हैं वो क्या करने वाली है अब बर्फ को ढूंढने के लिए। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर भी होल्ड कराता हूँ अपने पोकेमोन को। यहाँ पर होना चाहिए एक्सपीरियंस शेयर। ओके ये रहा, और ये मैं दूंगा अभी इस सर्वाइन को, बिकॉज मैग्नेमाइट की ट्रेनिंग तो होती रहेगी क्योंकि वो आ गया है टीम में। सो यहाँ से अब चलते हैं हम आगे और चलते हैं आयरिस के पास, क्या कर रही है वो। हे कम ऑन, थंप ईयर इज पास्ट ईयर, इफ़ यू मेंशन अ सस्पिशियस प्लेस इन कैस्टेलिया सिटी, द ओनली प्लेसेस दैट कम टू माइंड आर नैरो स्ट्रीट एंड हेयर। ओके सो अब यहाँ से एक सेकंड, ये कौन सा सिटी स्ट्रीट है? ओशन साइड। ओके सो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, और ये रही आयरिस, दिस वे कम ऑन, हैव अ लुक। ओके चलते हैं हम, देखते हैं वो बर्ग कहाँ पर चला गया अपनी पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए। यू कैन गो इनसाइड द सीवर्स फ्रॉम हेयर। ओके सीवर्स है वहाँ पर, वर्ड आई थिंक सीम्स प्रीटी सस्पिशियस राइट। हाँ वैसे काफ़ी सस्पिशियस है। ओके वो रहा सीवर वहाँ पर, ब्लैक कलर का जगह। ओके यहाँ पर ट्रिप भी आ चुका है। नेट ड्यू टू फाइंड टीम प्लाज्मा, मुझे नहीं मिली यार वो, पता नहीं कहाँ पर चले गए सब। दोज डर्टी पोकेमोन थीव्स, दैट मीन्स द ओनली प्लेस इज आई स्टिल हैज नॉट चेक्ड इज नेट, हेल्प मी आउट। ओके बिल्कुल हम आ रहे हैं बस, ये भी गया सीवर्स में। ये द सीवर्स आर अ परफेक्ट प्लेस फॉर हाइडिंग। हाँ वे सही बात है, चलते हैं वहाँ पर। नेट आई नीड यू टू गेट टफर, इवन आई एम गोइंग टू हैव ट्रबल taking them on all by myself. Anyway, it's okay. I'll take care of healing our Pokemon.
आई एम काउंटिंग ऑन यू नेट, आर यू रेडी टू गो? यस बिल्कुल, ओके लेट्स फाइंड टीम प्लाज्मा। सो हम ढूंढने वाले हैं टीम प्लाज्मा को, यहाँ पर कहाँ पर है वो टीम प्लाज्मा के लोग, पता नहीं कहाँ चले गए वो। सो इस तरफ चलते हैं पहले, देखते हैं। ओके एक सेकंड, मैं यहाँ पर पहले रिपील कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर पोकेमोन्स मिल सकते हैं काफ़ी सारे, सीवर्स हैं वैसे भी है। रिपील मैंने अच्छा उपाय कर लिए थे, यहाँ पर 11 रिपील्स हैं हमारे पास। सो जल्द से जल्द ढूंढते हैं कहाँ पर है वो। ओ एक सेकंड, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके अब इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर एक जगह है, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? बैटल नहीं कर रहा ये। वेट अ सेकंड, आई ड्रॉप समथिंग हेयर, जस्ट वेट अनटिल आई फाइंड इट। ओके यहाँ पर जाने नहीं देगा मैं आगे। हाँ ये आगे नहीं जाने देगा, बिकॉज यहाँ पर ये अपनी कुछ चीज़ ढूंढ रहा है, सकता है खो गया ऐसा कुछ। चलो कोई बात नहीं, ढूंढता रहे यहाँ पर, अभी निकलते हैं। ओके वो रे टीम प्लाज्मा भाई, काफ़ी आसानी से मिल गया मुझे। ट्विस्टेड स्पून, ओके साइकिल टाइप पोकेमोन के साथ पावर बढ़ाता है ये। एक सेकंड, मेरे पास एक साइकिल टाइप पोकेमोन तो है, मतलब अट्रैक करने वाला पोकेमोन। ट्विस्टेड स्पून गई कहाँ पर? ओके ये रही। यहाँ पर साइड को एक आता है कंफ्यूजन अटैक, तो ये उसका पावर बढ़ा देगा साइकिक ट्विस्टेड स्पून। ओके ये रहे दोनों टीम प्लाज्मा के मेंबर्स, देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये। हे व्हाट डू यू वांट टीम प्लाज्मा? यू विलन्स? हाँ व्हाट? डोंट ट्रीट अस लाइक विलन्स एंड डोंट इंटरफेयर विद अवर प्लान्स टू लिबरेट पोकेमोन। लिबरेट? हाँ, यू आर जस्ट ऑर्डिनरी पोकेमोन थीव्स एंड व्हाट्स मोर यू यूज दोज स्टोलन पोकेमोन लाइक दे आर टूल्स। सेट अप, हैंड ओवर योर पोकेमोन। इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं देने वाले हम पोकेमोन्स। लेट्स डू दिस नेट। ओके बैटल करना है यहाँ पर टीम प्लाज्मा से, वैसे हमारे दूसरे बैटल है टीम प्लाज्मा से, मतलब आज की वीडियो में। सो इन दोनों के पास एक एक पोकेमोन है। पहला पोकेमोन है स्क्रैगी और सैंडाइल। ओके स्क्रैगी और सैंडाइल दोनों वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो हैं, बट हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। ओके यहाँ पर ट्रिक के पास उसका पावरफुल मैग्नम पिगनाइट है। सो यहाँ पर मैं मैग्नेट बॉम्ब, एक सेकंड, यहाँ पर मैं सोनिक बूम करने वाला हूँ स्क्रैगी के ऊपर। ओके सैंडल तो गया, काफ़ी बढ़िया, उसने एक ही मूव में यहाँ पर हरा दिया सैंडल को। ओके यहाँ पर बस थोड़ा सा रहता है ये, थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी रहता है अभी तो, बट अब मैं इसे हरा दूंगा। ओके यहाँ पर ये फ्लेम चार्ज कर रहा है और इसने तो अकेले ने हरा दिया दोनों पोकेमोन्स को। चलो काफ़ी बढ़िया, ट्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया वैसे। ओके यहाँ पर सर्वन का लेवल अप भी हो गया और मैग्नेमाइट का भी रहता है, बस थोड़ा सा लेवल अप होना। दे आर रियली टफ बट वट एवर वी गोट द पोकेमोन वी नीड नाउ वी फ्लू। ओके इन्होंने पोकेमोन चुरा भी लिए। टैग दे रन अवे लाइक पैटरेट। ओके लेट्स गो फर्थर इनसाइड, देयर माइट बी मोर इन देयर। आई डोंट लाइक दैट्स नेसेसरी यू टू। ओके कौन आ गया यहाँ पर? ओके ये रहा बर्ग आया यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर था ये। कुड यू बी टीम लीडर बर्ग? ये सर वन एंड द सेम, आई एम बर्ग एंड देयर वॉज नो वन सस्पिशियस बियॉन्ड हेयर। इज दैट सो? यस इनडीड। I am concerned about Team Plasma as well. More importantly, shall we leave this place? For some reason, this sewer is bugging me. Huh? Did not you and the other gym leader fight Team Plasma 2 years ago? Thanks to you, thanks for your help. Here, use this. Okay, यहाँ पर हमें एक नया move मिल चुका है, HM04 strength, काफी बढ़िया। वो यहाँ पर boulders को हटा सकते हैं अपने रास्ते से। I'll find those other Team Plasma punks. I'll never forgive Pokemon thieves. No way. Okay, काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है लगता है टीम प्लाज्मा से यहाँ पर ट्रिप के साथ। हे ही इज़ गोन, यू देयर? ओके अब कौन है यहाँ पर? अब ये कौन है नया कैरेक्टर? दैट वॉज एन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैटलिंग द वे यू बोट आउट द पावर ऑफ योर पोकेमोन अगेंस्ट एन ओपोनेंट लाइक टीम प्लाज्मा। आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्टिंग एज वेल, आई सी। ओके वैसे है कौन ही है? इससे हमारा बैटल भी देखा यहाँ पर खड़े होकर। हु वॉज दैट? वेल नो मैटर, वॉट आर यू गोइंग टू डू? यू कैन स्टे हेयर एंड ट्रेन योर पोकेमोन और मे बी यू शुड कम चैलेंज मी द जिम लीडर बी सीइंग यू। ओके जिम लीडर यहाँ से बाहर जा रहा है अब और मुझे इससे बैटल भी करना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में बैटल करेंगे जरूर इससे, बट मैं उससे पहले देखना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है जहाँ पर ये बर्ग था इस वक्त। रिपिल मैं करके रखता हूँ पहले ही। ओके एक यहाँ पर पोकेबॉल पड़ी हुई है जो कि हार्ड स्केल। ओके तो यहाँ पर वैसे और कुछ नहीं है, वैसे सच बोल रहा था पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके यहाँ पर एक केव है
बट उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ वो जहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ था वहाँ पर अब वो है या नहीं। ओके यहाँ पर अब नहीं, अब वो है नहीं, गया चला गया यहाँ से वो। ओके एक सेकंड, यहाँ ऊपर की साइड कितना अलग है यहाँ पर, मतलब अलग ही जगह आ चुके हैं हम। और एक पोकेबॉल भी है वहाँ पर, रिपेल नहीं करना मुझे अभी यहाँ पर। ओके मिरेकल सीड, वैसे इससे मेरा जो सर्वाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उसकी ग्रास टाइप मूव्स। और ये अंकल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं एक बार। अपरेंटली दिस इज़ वेयर इट इज़ इट ऑल बिगन फॉर कैस्टल सिटी। ओके यहीं से शुरुआत हुई थी, मतलब ये फर्स्ट प्लेस होगी। और ये ट्री कैसा है? ओके कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही दिखाया, मतलब ऐसे ही है नॉर्मल ट्री। ओके पोकेमॉन मिला मुझे यहाँ पर। ओके रैटेटा, यहाँ पर वही सिमिलर पोकेमॉन्स लगते हैं मुझे पहले की तरह। ओके फोकस एनर्जी कर रहा है भाई, ये रन नहीं करने दे रहा मेरे पोकेमॉन को। अब इसके मैं बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता। सो गाइस यहाँ पर मुझे और काफ़ी अच्छे पोकेमॉन मिल सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक ईवी भी है, तो आप सभी मुझे कमेंट में बताइए मुझे ईवी को कैप्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ईवी जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग पोकेमॉन से इवॉल्व हो सकती है। सो हो सकता है मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे ईवी को कैप्चर करना है या नहीं। मैं यहाँ पर कैप्चर कर लूँगा उसे। सो अभी यहाँ से निकलते हैं हम, और उस केव में भी देख लेते हैं एक बार वहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। ओके इस तरफ से वो केव। ओके लास्ट में मुझे एक पोकेमॉन मिल गया, देखते हैं कौन सा पोकेमॉन है। रैटेटा भाई, यहाँ पर चूहे बहुत बड़े पड़े हैं, इन सभी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। सीवर्स है वैसे भी यहाँ पर, चूहे तो होंगे ही। ओके रन करते हैं, एक सेकंड में यहाँ पर ज़रा एक बार रिपेल भी कर लेता हूँ। ओके ये रहा रिपेल। ओके अब चलते हैं यहाँ से आगे। और रैलिक पैसेज, हम यहाँ पर अलग जगह आ चुके हैं। रैलिक पैसेज एक केव टाइप जगह थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैप में हम कहाँ पर हैं। ओके ये रहा हमारा मैप। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं रैलिक पैसेज, और हम थे यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर शायद से हम ये रहे कैस्टेली सीवर्स, और हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं गाइज। आप सभी देख सकते हैं हम यहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेवल करते हुए कितना ज़्यादा दूर आ चुके हैं। रैलिक पैसेज है यहाँ पर। सो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर पोकेमॉन्स कौन से हैं। ओके गाइज फाइनली यहाँ पर भी मैंने चेकिंग कर ली है, यहाँ पर पोकेमॉन्स काफ़ी अच्छे हैं। वैसे यहाँ पर एक टिम्बू भी पाया जाता है, सो मैं सोच रहा हूँ उसे कैप्चर कर लूँ। टिम्बूर जो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और मेरे पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन पहले से ही है एक लुकारियो। सो मैं सोच रहा हूँ आप सभी मुझे कमेंट में बताइए मुझे रियोलू और टिम्बूर में से कौन सा पोकेमॉन रखना चाहिए, बिकॉज टिम्बूर जो है वो ट्रेड से इवॉल्व होता है, फुली जो उसका फुली इवोल्यूशन है वो ट्रेड से इवॉल्व होता है। और इस गेम में तो हम ट्रेड से इवॉल्व कर सकते हैं पोकेमॉन्स को, मतलब बिना ट्रेड किए। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या मुझे वो पोकेमॉन कैप्चर करना चाहिए। और बाकी मैं यहाँ पर देख दूंगा अच्छी तरह से, यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स ही हैं वैसे और कुछ नहीं है। सो यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, और मैंने रिपेल तो किया था शायद से, पता नहीं मैंने किया था या नहीं। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में करने वाले हैं जिम बैटल, और देखते हैं फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, और टीम प्लाज्मा कहाँ पर चली गई वो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट से मुझे बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। वैसे आजकल आप सभी लाइक करने में काफ़ी कंजूस ही कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो, तक के लिए गुड बाय।